अस्सलाम वालेकुम। स्क्रंची बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे एक फैब्रिक का पीस, लास्टिक, थ्रेड और नीडल। और बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले हम फैब्रिक को साइड से स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करना है हमने, और कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे स्टेजेस लगाएं वरना स्क्रंची खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, और बहुत छोटे छोटे मैंने पीसेस में इसको छोटी छोटी सिलाई लगा के इसको स्टिच किया है ताकि खुल ना जाए। इसी तरह हमने पूरे इस फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने सारी स्टिच कर ली है, और अब ये एक इलास्टिक लेके इसके अंदर मैं इसको सेफ्टी पिन की मदद से डाल लूँगी। ये बहुत सिंपल इलास्टिक है, जो हम ट्राउजर्स में डालते हैं वही इलास्टिक मैंने यूज़ किया। सेफ्टी पिन मैंने इसमें डाल ली है ताकि निकले नहीं। आप किसी और चीज़ से भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह इस पूरे फैब्रिक के पीस के अंदर से हमने इलास्टिक को गुजार लेना है। बैक साइड से आप इसको पकड़ लें या टक इन कर लें ताकि आपकी निकल ना जाए इलास्टिक। इस तरह पूरे इस फैब्रिक के अंदर से गुजारने के बाद जो एंड में आप नॉट भी कर सकते हैं और इसको स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉट नहीं किया, मैंने इसको स्टिच कर लिए क्योंकि मैंने बहुत छोटी इलास्टिक ले ली थी। अगर बड़ी है तो आप इसको नॉट कर सकते हैं और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लूप बन जाएगी उसके बाद, और क्या करना है उस लूप के ऊपर जो आपने इलास्टिक की पोनी बना के इसके अंदर डाली है उसको कवर कर लेंगे जो स्क्रंची फैब्रिक थी, और दोनों जो जॉइंट्स हैं उनको आपस में फाइनली स्टिच कर लेंगे। दोनों जॉइंट्स को स्टिच करना है, जॉइंट्स को इलास्टिक के साथ स्टिच नहीं करना वरना उसके अंदर वो मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको नीडल और थ्रेड से ही स्टिच किया है, मैंने मशीन नहीं यूज़ की कोई भी। बहुत बारीक बारीक इसको स्टिचेस मैंने लगाए हैं ताकि वो खुल ना जाए और इसकी फिनिशिंग भी ख़राब ना हो। तो ये है आपकी स्क्रंची तैयार। इस तरह की आप डिफरेंट साइज़ की बना सकते हैं, पतली मोटी, जितनी आप चौड़ी फैब्रिक रखेंगे उससे ज़्यादा वो भरी भरी और मोटी बनेगी, जितनी पतली रखेंगे उससे पतली आपकी और स्लीक स्क्रंची बनेगी। डिफरेंट साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं इलास्टिक को, नॉट से और इलास्टिक की साइज से। बहुत से और तरीके भी होते हैं, मैंने सारी इसी एक मेथड से बनाई और इसमें डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ किए। Thank you for watching. Allah Hafiz.